मैं परमिंदर कौर सरकारी कटाई सिलाई ते कढ़ाई इंस्ट्रक्टर सरकारी उद्योगिक सिखलाई संस्था स्त्री उद्योग वाली जिला श्री मुक्तसर साहब। पहले भाग विच असी शर्ट दी स्टिचिंग कर चुके सी, जिस विच जेब तीरे अते बाजू स्टिच कर लिया हन। हुण अज तुहानू असी इस दे कालर कफ तैयार करके लगाउण दा ढंग दसांगे। सब तो पहला कफ नूं दूरा करके इस दे सेंटर विच एक नोच लगाना है। इस तो बाद इस दे चारे किनारियां ते तीनों किनारियां ते पैर पैर दा बखा लगाना है। शर्ट दियां दोनों पलैकेट बराबर करके जिन्ना दबा देना है उस ते निशान लगा लेना है। फिर उस दे सेंटर विच एक नोचिस दा निशान लगा लेना है। हुण शर्ट नू कफ दे नाल सेंटर नोचिस दे नाल नोचिस मिला के बाकी कपड़े दा प्लीट पा देना है। इस तरह प्लीट पाउंदे होए सिलाई नू फिनिश कर देना। ध्यान रहे कि प्लैकेट कफ दे बिल्कुल एज दे विच लगी होनी चाहिए है, कोई घाटा वाधा नहीं होना चाहिए। इस तरह कफ लग के तैयार हो चुका है। इसी तरह हुण आपां दूसरा कफ लगावांगे। दोनों कॉलर लग के तैयार हो चुके हैं। दोनों कफ बन के तैयार हो चुके हैं। हुण आपां कॉलर दी स्टिचिंग करांगे। पहला ही असी इस नूं कॉलर नूं पेस्ट कर लिया सी, हुण आपां इस दी स्टिचिंग करांगे। बुकरम दे नाल नाल हवा समान जगह छड के नाल नाल सगाई लगानी है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट देना है, नुकरां दे विच कपड़ा कट कर देना है। इस तरह सारा करते हुए लास्ट तक इसकी कटाई कर देनी है।
नीचे तो बिल्कुल बुकरम दे नाल नाल कपड़ा कट देना है, नीचे कोई सिलाई हक नहीं रखना। कटन तो बाद इसनों सीधा कर लेना है, बुकरम अंदर करके इस दिया नुकरा चंगी तरह बाहर कट लेनी है। प्रेस मार के कपड़े नू चंगी तरह बिठा लेना है। हुण इस दे तीनों किनारियां ते पैर पैर दा बखा लगा लेना है। नीचे वाला कपड़ा थल्ले नू खिंच के रखना है ताकि सिलाई लाने समय कपड़ा बाहर नू ना दिखे। नीचे वाले पासे सिर्फ कपड़े नू बनन वास्ते हाफ पैर दा बखा लगा लो। कलर नू दूरा करके सेंटर विच नोचिस लगा लो। हुण असी बैंड तैयार करांगे। एक्स्ट्रा कपड़ा विच्चों कट देना है। चल लगा लो और इसमें कलर नाल अटैच कर दो। इतो सी कॉलर बैंड के नीचे कपड़ा रख के निशान तक सिलाई लगा लो। हुण कॉलर नूं असीं दोनों पीसां दे विचकार सैंडविच टाइप रखांगे अते नोचिस नाल अते तिन्ना पीसां ते सिलाई इकट्ठी लावांगे। चलिया जी, चल रहे सेंटर दी नोचिस आपस विच मिला के सिलाई लानी है। इस तरह करते हुए सारी सिलाई कंप्लीट कर देनी। सारा एक्स्ट्रा कपड़ा कट देना है। कॉलर नू घुमा के सीधा कर लेना है। हुण पैर पैर दी टॉप स्टिच लगानी है। नीचे वाले कपड़े नू बाहर नू खिंचते जाना है ताकि कपड़ा इकट्ठा ना हो जाए।
कॉलर नूं शर्ट दे नाल अटैच कर ले, पैर पैर दा दबा रख के बाकी बचा हुआ कपड़ा कट देना है। असी पैर पैर दा दबा कट लिया है ते सेंटर विच नोटिस दा निशान लगा लो। शर्ट नाल मिला के देखना है कि कॉलर सही है, नोचिस नाल नोचिस मिल रहे हैं। कॉलर दे एक सिरे नू अटैच कर लो, फिर इस दे उपरले सिरे ते सिलाई लगाने शुरू कर दो। कॉलर अटैच हो चुका है, हुण इसकी उपरली सिलाई लगा के इसनों फिनिश कर देवांगे। सेंटर नाल सेंटर मिला के सिलाई लगानी शुरू करनी है। हो चुका है, हुण आपां इसदे घेरे दी फोल्डिंग करांगे। कॉलर अते घेरा फोल्ड करन तो बाद साडी जिहड़ी शर्ट आ तैयार हो चुकी है। इस तरह कफ भी कॉलर भी घेरे दी फोल्डिंग कंप्लीट, शर्ट कंप्लीट हो चुकी है। हुण आपां इसदे बटन लगाउण वास्ते निशान लगा चुके हाँ, हुण आपां इसदे बटन वगैरह लगा के इसकी फिनिशिंग कर देवांगे। इस राही मैं अपनी शर्ट की ड्राफ्टिंग कटिंग स्टिचिंग कंप्लीट कर चुकी हाँ। उम्मीद करती हाँ कि तुहानू इस तों सीखण बहुत कुछ मिलिया होगा। उम्मीद करती हाँ कि तुहानू मेरी शर्ट की कटिंग स्टिचिंग फिनिशिंग सब कुछ पसंद आएगा। धन्यवाद।